अब नहीं जाना पड़ेगा कहीं। बिग ब्लिस 10 मिनट में लाएगा आपके घर दूध और दही। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का, जो गेहूं से ही है। भारत सरकार के गेहूं के एक्सपोर्ट यानी निर्यात पर रोक लगाने के बाद विदेशी बाजारों में गेहूं की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई हैं। गेहूं की कीमत यूरोपीय बाजार के खुलने के साथ ही 435 यूरो यानी कि 453 डॉलर और 35,228.73 भारतीय रुपये प्रति टन हो गई है। रूस यूक्रेन जंग के बीच भारत के गेहूं एक्सपोर्ट पर बैन लगने से दुनिया भर में हलचल मच गई है। G7 देशों के ग्रुप ने भारत सरकार के इस फैसले की आलोचना की। जर्मनी के कृषि मंत्री ने कहा कि भारत के इस कदम ने दुनिया भर में कमोडिटी की कीमतों का संकट और ज्यादा बढ़ा दिया है। वहीं अगले महीने जर्मनी में G7 शिखर सम्मेलन में इस मुद्दे को भी उठाया जाएगा। इस सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी भाग लेंगे। इस रोक से पहले वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने बताया था कि चालू वित्त वर्ष में गेहूं निर्यात 100 से 125 लाख टन को पार कर सकता है। इस बार गेहूं खरीदार देशों में नया नाम मिस्र का जुड़ा है। वहीं भारत अभी 69 देशों को गेहूं निर्यात कर रहा है। वित्त वर्ष 2021-22 में भारत ने 69 देशों को 78.5 लाख टन गेहूं निर्यात किया। रूस और यूक्रेन युद्ध से गेहूं निर्यात भी प्रभावित हुआ और ऐसी आशंका है कि आने वाले समय में भी गेहूं की आपूर्ति प्रभावित रहेगी। वहीं चीन और भारत के बाद रूस ही गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है और गेहूं निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट के मामले में वह नंबर 1 पे है। वहीं गेहूं निर्यात देशों में यूक्रेन का 5वां स्थान है। अमेरिका, लेबनान, नाइजीरिया और हंगरी सहित कई देशों ने रूस से गेहूं और कच्चा तेल सहित अन्य सभी चीज़ों के निर्यात पर रोक लगा दी है। ऐसे में दुनिया में गेहूं की किल्लत होने लगी है। ऐसे में इस किल्लत को पूरा करने के लिए भारत ने गेहूं का निर्यात बढ़ाया था, लेकिन अब भारत के गेहूं निर्यात पर रोक के बाद विदेशी बाजारों में गेहूं महंगा होने लगा है। रूस और यूक्रेन दोनों देश गेहूं के बड़े एक्सपोर्टर हैं और फरवरी में यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद सप्लाई की चिंताओं से वैश्विक गेहूं की जो कीमतें हैं वो बढ़ गई है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूं के दाम 60% तक बढ़े हैं। भारत गेहूं उत्पादन के मामले में दुनिया में दूसरे नंबर पर है। यहां सालाना लगभग 107.59 मिलियन टन गेहूं का उत्पादन होता है। इसका एक बड़ा हिस्सा घरेलू खपत में भी जाता है। भारत में प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार और गुजरात शामिल हैं। तो ये थी बात कि भारत के गेहूं निर्यात पर रोक का असर साफ दिखने लगा है। विदेशी बाजारों में रिकॉर्ड हाई पर गेहूं के जो दाम है वो अब आ गए हैं। वहीं 435 यूरो प्रति टन पर ये पहुंच गए हैं। तो आज की बड़ी खबरों में बस इतना ही, लेकिन और बड़ी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।